हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैंथर वर्सेस ड्रैगन के बारे में। तो मैं आपको इस TNPL मैचेस की दो टीम देने वाला हूं। पहला टीम मैं आपको ड्रीम एलेवन पे प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि ज़्यादातर लोग ड्रीम एलेवन खेलते हैं। और दूसरा टीम मैं आपको जो है हाला प्ले में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप अभी तक अपने अगर हाला प्ले ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे हाला प्ले करके एक लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से खेलोगे तो आपको क्या फ़ायदा है पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो साइन अप करने का जो आपको 50 रुपीज़ मिलता है वो आप 100% यूज़ कर सकते हो। आपको खुद से पैसा नहीं लगाना पड़ता। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म चार्जेस नहीं लगते अगर आप हेड टू हेड खेलते हो, या फिर अगर आप एक परचेस होता है 6 महीने और 1 साल के लिए अगर वो पैसे दे कर परचेस कर लेते हो तो आपको कोई कौन सा भी लीग पे आपको जो है कोई भी प्लेटफॉर्म चार्जेस जो है आपको नहीं देना पड़ता। तो एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। और अगर आप साइन अप करते ही अगर आप मेरा रिफ़र कोड दे के ज्वाइन करेंगे आपको 50 रुपीज़ मिल जाएगा। रिफ़र कोड मस्ट है। और अगर आप 50 रुपीज़ दे के आप ये वाला लीग जो है बहुत ही आसानी से फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका लक अच्छा रहा हो, अगर आप वीडियो को पूरी तरीके से देखते हो तो आप शायद फर्स्ट रैंक पे आ सकते हो और 50,000 रुपीज़ जो है आप या इस मैच से जो है अर्न कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं मैच के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में। तो दोनों ही टीमों ने जो है लास्ट मैच बहुत ही आसानी से आप कह सकते हो जीता हुआ है। तो दोनों का टीमों का जो कॉन्फिडेंट है वो बहुत ही हाई रहेगा और दोनों ही टीम जो है शायद कोई भी चेंजेस ना करे। अब बात कर लेते हैं विकेट कीपर के बारे में। तो विकेट कीपर पे आपके पास यहाँ पे एन जगदीशन और यहाँ पे एन शुभम मरण्यम जो है विकेट कीपिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको पता ही है जगदीशन जो है वो ओपनिंग करते हैं और ये जो है लगभग नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को ही रखा है। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, हालांकि ये साउथ इंडियन यानी तमिलनाडु की तरफ से है और हम लोग यहाँ पे वेस्ट की तरफ से है, तो हम लोगों का जो उन लोगों का नाम लेने पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालाँकि ये टंग या फिर हमारा जो लैंग्वेज है वो उस तरीके का नहीं है, तो नाम लेने में थोड़ा बहुत मुझे परेशानी हो रही है। तो आप वो सब जो है इग्नोर करके बस वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं प्लेयर्स की, बैट्समैन की। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही बैट्समैन लिया है, उनमें से एक अरुण कार्तिक और यहाँ पे मैंने चतुर को लिया हुआ है। चतुर भी एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे यशराज को लिया हुआ है जो कि ओपनिंग करते हैं और लास्ट मैच पे अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है इन्होंने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसके अलावा आप चाहें तो किसे ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे यस चंद्रन को ट्राई अपने टीम में कर सकते हैं। हालांकि लास्ट मैच पे इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, लेकिन अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो और ग्रैंड लीग विन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप आर विवेक को ट्राई कर सकते हो, मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं और अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। तो यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन और मैंने यहाँ पे आर शाह को लिया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे आर रोहित या फिर यहाँ पे जे कौशिक को ले सकते हो, जो कि अच्छे खासे ऑलराउंडर की भूमिका कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो यहाँ पे बॉलर्स मैंने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि एक टीम की जो बॉलिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे एम मोहम्मद को लिया हुआ है, यहाँ उसके बाद मैंने यहाँ पे एम सिलाम, इसका स्पेलिंग मेरे से नहीं हो रहा है, सिलम बर्सन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो कि अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। लास्ट सीज़न में इन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और मोहम्मद ने भी बहुत ही अच्छी लास्ट सीज़न में बॉलिंग की है। इसके अलावा आप चाहें तो आर मिठुन को ले सकते हैं, मैंने उनको नहीं लिया हुआ है। मैं उनकी जगह जो यहाँ पे के आकाश और यहाँ पे मैंने जे कौशिक को लिया हुआ है जो कि मस्ट आपके पास बॉलर होना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप ये आर शाह को ड्रॉप करके यहाँ पे जो आप यहाँ पे आप जो है आर मिठुन जो है ले सकते हो अपने टीम में, या फिर आप जो है अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। तो जी मैंने जैसे कि मैंने आपको कहा था मैंने जियो कौशिक को लिया हुआ अपने टीम में। और अब बात कर लेते हैं प्रीव्यू के बारे में। तो प्रीव्यू कुछ इस तरह का आएगा।
कैप्टन कल जो है 90% लोग जो है रविचंद्रन अश्विन को बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा जो है रविचंद्रन अश्विन को वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं। हालांकि अच्छे खासे बैटिंग करेंगे वो ज़रूर, लेकिन बॉलिंग का फॉर्म उनका कुछ खास अच्छा नहीं है, और खास तौर की इंडियन प्लेयर जो है ऑफ स्पिनर को बहुत ही अच्छे खेलते हैं, लेकिन TNPL में वो कुछ खास अलग एक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा पता चला, हालांकि मैंने लाइव मैचेस नहीं देखे हैं। वहीं पे अरुण कार्तिक बहुत ही अच्छे और बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, और ये ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो जगदीशन को अपने टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। इसके अलावा आप जो है किसी भी जैसे कि ए मोहम्मद सिलंबर या फिर आप जे कौशल, इन तीनों में से किसी को जो है वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं हाला प्ले की टीम के बारे में, तो आपको हाला प्ले की टीम जो है थोड़ी सी अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है जो पॉइंट सिस्टम है वो थोड़ा सा ड्रीम इलेवन से अलग है। तो जो बैट्समैन ज़्यादा अच्छा हिट लगा सकता है आप उन्हें ले सकते हो, और जो बैट्समैन अच्छा खासी इकोनॉमी से बॉलिंग करे, ठीक है, तो आप उनको ले सकते हो, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अरुण कार्तिक को लिया हुआ है, 1 मिनट, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 मिनट जस्ट अरुण कार्तिक को लिया है, चतुर को लिया है, यहाँ पे मैंने ओपनर राज को लिया हुआ है। बॉलिंग मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉलिंग लिया हुआ है, क्योंकि सारे के सारे बॉलर बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे होप है कि इकोनॉमिकल बॉलिंग करेंगे। हालांकि ग्राउंड बहुत ही छोटा है, और मुझे लगता है छोटे ग्राउंड में भी इनके पास अच्छे बॉलर है जो कि इम्पैक्ट दे सकते हैं। वहीं पे मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ कैप्टन चूज़ करना होता है, तो मैंने अश्विन को कैप्टन, और यहाँ पे मैंने जे कौशिक को रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने टीम में थोड़ी बहुत चेंजेस जो है कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ऐसे बैट्समैन या फिर ऐसे बॉलर्स को कैप्टन बनाइए जो कि आपको जो है अच्छे स्ट्राइक रेट और अच्छे इकोनॉमिकल बॉलिंग करके आपको जो है यहाँ पे करके दे सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाला प्ले डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके डाउनलोड कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।